हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रक्षंदा सावंत और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टफ्ड इडली बनाने की रेसिपी। इडली हम सभी ब्रेकफास्ट के लिए या फिर एज अ स्नैक खाने के लिए तो बनाते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप मसाला से स्टफ्ड इडली कैसे बना सकते हैं। तो आप ये पूरी रेसिपी देखें। मेरी रेसिपी देखने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बाउल में एक कप सूजी ली है या फिर रवा। ये जो सूजी है वो थोड़ी सी दरदरी है या फिर थोड़ी सी मोटी है, तो इसे बारीक पीसने के लिए हम एक इसे मिक्सचर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप ये सूजी मिक्सचर जार में डाल दें और इसे थोड़ी सी बारीक पीस लें। सूजी को पीस कर हमें एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। आप देख सकते हैं ये सूजी एकदम पाउडरी हो गई है, हाथ पे चिपक रही है, बिल्कुल ऐसे ही सूजी हमें चाहिए। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी एक कप दही। मैंने एक कप सूजी के लिए एक कप दही इस्तेमाल की है। हमें दही और सूजी को पूरी तरह से मिला लेना है। ये देखिए, दही और सूजी का एकदम गाढ़ा मिक्सचर हमें मिल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच से आधा चम्मच नमक, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये जो दही और सूजी का मिक्सचर है, हमें इसे एकदम स्मूथ बनाना है। इस तरह से इस मिक्सचर को मिलाकर आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख दें। जब तक हमारा सूजी का मिक्सचर सेट हो रहा है, हम तब तक अपना आलू का मसाला बना लेंगे। तो आप इसके लिए एक पैन गरम करके उसके ऊपर डाल दें 1 चम्मच तेल। तेल गरम होते ही आप इसमें डाल दें 1 बारीक कटा हुआ प्याज। आपको प्याज को एकदम फाइन कट करना है। जैसे ही प्याज हल्का ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, हम उसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। इसे प्याज में मिला लेंगे। प्याज को 2-3 मिनट भुनने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे आधा बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालते ही हमें डाल देना है 1/4 चम्मच नमक। नमक को प्याज और टमाटर के साथ मिला लेंगे। ये देखिए, प्याज और टमाटर एकदम गल चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर या फिर मटर या फिर गोभी। जब सब्जियां हल्की सी पक जाएं, आप इसमें डाल दें 2 उबले हुए मैश किए हुए आलू। हमें आलू को सब्जियों में पूरी तरह से मिला लेना है। जब सारी सब्जियां पूरी तरह से मिल जाएं, हम इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। मसालों को सब्जियों के साथ भून लें। जब सारे मसाले सब्जियों के साथ भून जाएं, हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। हमें एकदम थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए इस आलू के मसाले को और पकाएंगे। आप इसे मिलाते हुए एकदम मैश करते रहें ताकि जो आलू का मसाला है एकदम सॉफ्ट बने। तो अब हम इसे ढककर 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए, 2 मिनट ढककर पकाने के बाद ये आलू का मसाला लगभग रेडी है। अब आप गैस बंद कर दें और इसके ऊपर डाल दें थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया। आप देख सकते हैं कि आलू के मसाले की कंसिस्टेंसी कैसी है। मैंने ये आलू का मसाला एकदम सॉफ्ट और ड्राई बनाया है। अब आप इसे साइड में रख दें। अब हम ये इडली का बर्तन ले लेंगे और जो हमने आलू का मसाला बनाया था उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए, ये जो आलू की टिक्की है इडली के बर्तन में पूरी तरह से फिट होने चाहिए, ताकि हमारी जो इडली है और उसके अंदर की स्टफिंग एकदम परफेक्ट बने। आलू की टिक्की बनाने के बाद हम इडली के कुकर को प्रीहीट करने के लिए उसके अंदर डाल देंगे 2 कप पानी और अब इसे ढककर मीडियम आंच पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। तो अब करीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमारा ये जो सही और सूजी का मिक्सचर है, ये सेट हो गया है। तो हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप पानी और इसे मिला लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये एकदम थिक है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है।
अब हमें इसमें ऐड करना है आधा चम्मच बेकिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा है ये इस रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। बेकिंग सोडा डालने से हमारी जो इडली है वो एकदम फूली फूली और एकदम सॉफ्ट बनेगी। सोडा डालने के बाद आप इसमें डाल दें 1/4 कप पानी और इसे मिला लें। आप ये मिक्सचर देख सकते हैं, ये एकदम फूल गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये ना तो ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा पतला। तो अब हम इसे डायरेक्टली इडली के मेकर में डाल देंगे। इडली बनाने के बर्तन में हमें ये मिक्सचर डाल देना है। आप इसे पूरी तरह से मत भरना, एकदम आधा भरना। मिक्सचर डालते ही ये आलू की टिक्की हमें इसके एकदम बीच में डाल देनी है। ऊपर से हमें चम्मच से थोड़ा और मिक्सचर डालना है और इस आलू के मसाले को एकदम कवर कर लेना है। मैंने इसी तरह से ये इडली के बर्तन सारे मिक्सचर से भर दिए हैं। ये इडली का कुकर भी अब प्रीहीट हो गया है, तो अब हम इस कुकर में ये सारे इडली के स्टैंड रख देंगे। हमें इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करना है। 15 मिनट बाद आप इडली का कुकर खोलकर इसे चेक कर सकते हैं। आप इसमें टूथपिक या फिर नाइफ डालकर चेक कर सकते हैं कि इडली बनी है या नहीं। अगर नाइफ एकदम क्लीन बाहर आता है, दैट मीन्स हमारी इडली रेडी है। इडली के बर्तन को बाहर निकालकर 1-2 मिनट ठंडा करने के बाद ही आप इडली को बाहर निकालें, वरना इडली गर्मा गर्म बाहर निकालने से टूट सकती है। ये देखिए, मैंने ये सारी इडली बाहर निकाली है। इडली एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनी है। मैं आपको एक इडली काट के दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से स्टफ हुई है। ये देखिए, एकदम परफेक्टली स्टफ हुई है हमारी ये इडली, और बाहर से एकदम सॉफ्ट, नरम और फ्लफी बनी है। आप ये घर पे वीडियो जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।